आज अपन औरतों के अंदर पढ़ेंगे एक और फ्रैक्चर जिसका नाम है फ्रैक्चर ऑफ द टेलस। जो टेलस बोन होती है ना उसका फ्रैक्चर। तो अपन देखते हैं कि जो टेलस बोन है कौन सी बोन होती है। टेलस बोन अपनी जो बोन होती है अपन को फुट के अंदर देखने को मिलती है, जो कि कैल्केनियम के ऊपर प्रेजेंट होती है। इस तरह से ही अपना एक फुट होता है, यहाँ पे कैल्केनियम, कैल्केनियम के ऊपर यहाँ पर टेलस अपन को देखने को मिलती है। इस तरह से ये यहाँ पर अपना एंकल जॉइंट बनाती है। उसके आगे यहाँ पे नेविकुलर क्यूबॉइड, क्यूनिफॉर्म्स, मतलब ये एक टार्सल बोन होती है। उसके बाद मेटाटार्सल्स बोन आती है, यहाँ पे फेलेंजेस अपन को देखने को मिलती है। इस तरह से अपन साइड में देखेंगे तो इस जगह पे टेलस है। अपन ने बोला कैल्केनियम के ऊपर टेलस होती है, और टेलस के ऊपर फिर जो लेग्स की जो बोन होती है ना वो प्रेजेंट होती है। तो इस तरह से अपनी टेलस बोन अपन को देखने को मिलती है, ये वाली और ये वाली। तो यहाँ पर अपन ने टेलस बनाई हुई है। ये इसका साइड व्यू है और ये इसका टॉप व्यू है, मतलब ये अपन ऊपर से देख रहे हैं और ये वाली अपन साइड से देख रहे हैं। तो यहाँ पर इसके तीन पार्ट्स हैं। यहाँ पर इसका हेड प्रेजेंट है, नेक और बॉडी। और इसको अपन ऊपर से देखेंगे तो आगे की तरफ अपन को हेड मिलेगा, उसके बाद ये नेक वाला एरिया होता है और इसकी बॉडी होती है जो अपन ने सेट किया हुआ है, वो वाले पार्ट। तो अपन देखते हैं इसका फैक्चर, अपन को सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है नेक का फैक्चर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है माइनर फैक्चर है ये। ये अपन को देखने को मिलता है टेलस के अंदर। आर्टिकुलर सरफेस है वहाँ पर, स्मॉल चिप फ्रॉम द मार्जिन ऑफ वन ऑफ द आर्टिकुलर सरफेस ऑफ द टेलस। और इसके अंदर क्या होता है ना, जो ये फ्रैक्चर होता है ये मोर कॉमन होता है देन मोर सीवियर फ्रैक्चर। और इसका फ्रैक्चर अपन को देखने को मिलता है फ्रैक्चर ऑफ द नेक ऑफ द टेलस, ये वाला पार्ट। यहाँ से अपन को फ्रैक्चर देखने को मिलेगा। इस वाले डायग्राम के अंदर अपन देख सकते हैं टेलस बोन है, यहाँ पर इसकी नेक थी, तो इसका फ्रैक्चर इस तरह से अपन को देखने को मिला है। तो अब अपन इसकी रिलेवेंट एनाटॉमी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आती है इसकी ब्लड सप्लाई। जो ये टेलस होती है इसकी ब्लड सप्लाई कौन करता है, किस तरह से होता है, फ्रैक्चर होता है तो अपन को क्या डैमेज देखने को मिलता है वहाँ पर आर्टरीज वगैरह के अंदर। तो यहाँ पर जो फुट होता है, मतलब जो टेलस जो बोन होती है ना फुट के अंदर, वो वहाँ पर अपन को कोई भी मसल अटैचमेंट नहीं देखने को मिलती है, विदाउट एनी मसल अटैचमेंट के होती है टेलस बोन। ओके, और इसकी जो ब्लड सप्लाई है वो होती है एनास्मोटिक रिंग ऑफ ब्लड वेसल। तो ये होती है, ये एंटरिंग इट्स नेक, नेक के अंदर एंटर करती है एंड रनिंग पोस्टोलेटरल साइड से रन करती है विथ इन द बोन टू सप्लाई इट्स बॉडी, और इसकी बॉडी को सप्लाई करती है। अपन इसके दो पार्ट देखे थे, नेक, हेड एंड बॉडी, तीन पार्ट। तो इसके आगे हैं, अगर टेलस बोन के नेक का फ्रैक्चर हो जाता है, टेलस बोन के नेक का फ्रैक्चर हो जाता है तो वहाँ पर जो ब्लड सप्लाई होती है वो कट हो जाती है। अपन ने देखा ना इसके आसपास ही ब्लड सप्लाई हो रही है, इसके थ्रू, एनास्टोमोटिक रिंग के थ्रू वहाँ पर ब्लड सप्लाई हो रही है ब्लड वेसल से वहाँ पर। तो ये है ना वो कट हो जाएंगे फ्रैक्चर होने के कारण, या फिर वहाँ पर किसी भी तरह का डैमेज हो जाएगा जिस कारण से ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं हो पाएगी बॉडी ऑफ द टेलस पर। फिर आते हैं इसके मैकेनिज्म की, ये इंजरी जो या फिर जो डिफॉर्मिटी या फिर जो इसका फ्रैक्चर हो रहा है ये किस कारण से अपन को देखने को मिलता है। तो फ्रैक्चर होता है नेक ऑफ द टेलस का, वो अपन को देखने को मिलता है फोर्स्ड डोर्सिफ्लेक्शन ऑफ द एंकल। जो एंकल का अगर डोर्सिफ्लेक्शन हो जाता है अचानक से फोर्सफुली, तो उस कारण से अपन को ये फ्रैक्चर देखने को मिलता है टेलस के अंदर। इस तरह से इसके नेक का फ्रैक्चर, जैसे कि एयरक्राफ्ट जो क्रेश हो जाते हैं तो उसके अंदर ये इंजरी है वो काफ़ी कॉमन है। जैसे वहाँ पर क्या होता है ना, वेयर रबर बार इज ड्राइवन फोर्सिबली अगेंस्ट द मिडल ऑफ द सोल ऑफ द फुट, जिसको अपन ने एक नाम दिया है इस वाले फ्रैक्चर को, एविएटर फ्रैक्चर। तो इसके अंदर भी क्या होता है ना, जो एयरक्राफ्ट होते हैं उस कारण से उनको पेडल्स लगाने पड़ते हैं, तो वहाँ पर डोर्सिफ्लेक्शन होता है एंकल का, तो इस कारण से अपन को फ्रैक्चर देखने को मिलता है। ये इसका मैकेनिज्म है। तो इसके अंदर क्या होता है ना, इसका जो फ्रैक्चर हुआ है उसके बाद डिसलोकेशन होता है ऑफ द बॉडी ऑफ द टेलस। जो टेलस का जो बॉडी है उसका डिसलोकेशन अपन को देखने को मिलता है बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर, आउट ऑफ द एंकल मोटिस। जो एंकल मोटिस होता है ना वहाँ से वो निकल जाता है और वो पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो इस तरह से उसका डिसलोकेशन हो जाता है। और वहाँ पर जो वेस्कुलरिटी होती है बॉडी की टेलस, वो कंप्रोमाइज हो जाती है। अब इसका अपन डायग्नोसिस कैसे करेंगे, इसका डायग्नोसिस अपन करेंगे लेटरल व्यू लेंगे अपन, एक्सरे मतलब एंकल का लेटरल व्यू लेंगे एक्सरे के थ्रू, उसके बाद अपन उसको डायग्नोसिस करेंगे। और कभी कभी क्या है ना, जो ये फ्रैक्चर है ये मिस्ड हो जाता है डॉक्टर से बिकॉज ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ द टार्सस बोन। जो टार्सस बोन की ओवरलैपिंग होने के कारण जो ये फ्रैक्चर है कभी कभी मिस्ड हो जाता है।
फिर यहाँ पे अपने इसको डायग्नोज कर लिया। डायग्नोज करने के बाद अपन इसका ट्रीटमेंट देखेंगे कि इसका ट्रीटमेंट अपन कैसे करेंगे। तो इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन डिस्प्लेसमेंट, कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है इसका ट्रीटमेंट। तो मान लो यहाँ पे दो कंडीशन है, यदि किसी में अनडिसप्लेस्ड फ्रैक्चर है और किसी में डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर है, तो इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। अगर फ्रैक्चर अपनी जगह पर ही बना हुआ है, मतलब वो डिस्प्लेस नहीं हुआ है, मतलब वो अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर है, तो उसके अंदर वो कुछ करने की जरूरत ही नहीं, उसका रिडक्शन करके मतलब उसको ट्रैक्शन देकर उसका रिडक्शन करने की जरूरत ही नहीं है। सीधा अपन उसके ऊपर बिलो नी प्लास्टर कास्ट लगा देंगे 8 to 12 weeks के लिए, इतना सफिशेंट है इसका ट्रीटमेंट करने के लिए। लेकिन अगर डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर है तो उसके लिए अपन को ओपन रिडक्शन करना पड़ेगा, इंटरनल फिक्सेशन अपन को उसके अंदर लगवाने पड़ेंगे, जब भी जाके वो ठीक होगा। स्क्रू इसके अंदर अपन यूज़ कर सकते हैं। फिर इसकी अपन को ट्रीटमेंट करने के बाद भी कभी कभी अपन को कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं। इसके यहाँ पर अपन दो कॉम्प्लिकेशंस देखेंगे, वो है वेस्कुलर नेक्रोसिस एंड नॉन यूनियन एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे कि वेस्कुलर नेक्रोसिस और नॉन यूनियन किस कारण से होता है, बिकॉज पुअर ब्लड सप्लाई। अपने देखा था वहाँ पर फ्रैक्चर हो रहा था, तो वहाँ की जो आर्टरीज वेसल्स थी वो कट हो गई थी, जिस कारण से ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं हो रही थी। तो पुअर ब्लड सप्लाई के कारण आफ्टर फ्रैक्चर ऑफ नेक, नेक का फ्रैक्चर होने के कारण वहाँ की जो पुअर ब्लड सप्लाई हो जाती है, जिस कारण से अपन को वहाँ पर जो टेलस है बोन है, वहाँ पर अपन को एवेस्कुलरी देखने को मिलती है। एवेस्कुलर जो फ्रेगमेंट होता है फेल टू यूनाइट विद रेस्ट ऑफ द बोन, वो फेल होता है, मतलब ठीक से यूनाइट नहीं हो पा जाता, नहीं हो पाता, एंड ग्रेजुअली कोलेप्स हो जाता है वो, जिसके कारण से अपन को डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है बोन के अंदर, और धीरे धीरे वहाँ पर अपन को ऑस्टियोआर्थराइटिस देखने को मिलता है एंकल जॉइंट का। क्योंकि वो टेलस ही एंकल जॉइंट बना रहा था वहाँ पर लेग्स की बोन के साथ, टीबिया के साथ। तो यहाँ पर अपन को देखने को मिला कि एवेस्कुलर नेक्रोसिस और नॉन यूनियन के कारण अपन को ऑस्टियोआर्थराइटिस हो रहा है, तो ये भी एक कॉम्प्लिकेशन है। तो इसको अपन पढ़ेंगे अब, ऑस्टियोआर्थराइटिस को, एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ द टेलस। यहाँ पर अपन ने ये देखा था एवेस्कुलर नेक्रोसिस के कारण अपन को यहाँ पे ऑस्टियोआर्थराइटिस देखने को मिला, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस होगा एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ द टेलस के कारण। तो ये एसोसिएटेड इंजरी टू इट्स आर्टिकुलर कार्टिलेज में लीड टू ऑस्टियोआर्थराइटिस, एंकल का ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो कभी कभी जो मतलब जो पेशेंट होता है उसके अंदर अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस है, तो वो अपन को कंप्लेन करेगा कि उसको पेन है, स्टिफनेस है उस जॉइंट के आसपास ऐसा। फिर अपन उसका ट्रीटमेंट करेंगे, फिजियोथेरेपी देखें, और कुछ सीवियर केस होते हैं उसके अंदर अपन एंकल आर्थ्रोडेसिस करके भी इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये था आज का फ्रैक्चर, फ्रैक्चर ऑफ द टेलस।